एक अच्छी वीडियो में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? अच्छे कैमरे गियर्स? नहीं भाई साहब, आपको चाहिए क्वालिटी ऑफ पीपल जो हर वक्त आपके साथ खड़े हों। कुछ दिनों पहले मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। मैं हमेशा सनराइज यानी कि मॉर्निंग में शूट करने जाता हूँ यमुना घाट। फिर मैंने सोचा क्या मैं सनराइज टू सनसेट यमुना घाट पे शूट कर सकता हूँ? पता है कि मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। बस फिर क्या था, मैंने रतन, दिवेश, दानिश और आशीष से बात करी और हमारा चैलेंज स्टार्ट हो गया। सारी बर्ड्स मेरे पास आएंगी, गोल गोल गोल। 10 बजने वाले हैं और मैं सोने जाऊंगा। तो अभी मैं आ गया हूँ यमुना घाट। सुबह के बज रहे हैं 6:40 करीब। मेरे पीछे देख रहे होंगे अभी सनराइज हुआ नहीं है और आज हम सनराइज टू सनसेट यहीं पे रहने वाले हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे बेसिकली फोटोग्राफी रिलेटेड। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लाइट में फोटोग्राफ लेंगे तो आपको भी मजा आएगा। नया एक्सपीरियंस है, नया चैलेंज है, देखते क्या होता है। यहाँ तैयारी हो रही है, गेट्स तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ से आज हम लेट हो गए हैं। क्या? मेरी आँखें मुझे विजन इम्प्रूव हो गई। जैसे ही मैं यमुना घाट पे पहुंचता हूँ मुझे मिलती है मायरा जो कि एक मॉडल थी मगर ड्यू टू सम रीजंस वो तो यमुना घाट आ गई मगर उनका फोटोग्राफर नहीं आ पाया। तो वो मुझे और मेरे दोस्तों को रिक्वेस्ट करती है कि मैं उनका शूट कर दूं। फिर मैं लेंस की मैक्सिमम फोकल लेंथ यूज करके और अपर्चर नंबर लो करके उनके पोर्ट्रेट शूट करता हूं। बज गए हैं 8 बज गए हैं तो अभी थोड़ा सा हम थक गए हैं, जाएंगे पंडित जी के चाय पीने फिर वापस आएंगे। हमारी बोट है पानी वाली, इसमें पानी भी आता है और वैसे भी चलती है। अच्छा। सूखे में चलती है। लाल किला बोलोगे लाल किले पे खड़े हो जाके जाके। पंडित जी 1 2 3 4 पी ली है चाय और अब हम दोबारा जा रहे हैं घाट पे क्योंकि हमारे पास आया था फोन अभिनंदन का, बोले कि मॉडल को घर तक छोड़ के आओगे। बता अब देखो ये इस लोकेशन पे जो खींचता है फोटो उसकी आती है SPI #SPI animal। आज हम आपको फोटोग्राफी हैक्स बता रहे किस तरीके से फेमस होना है। कहाँ कहाँ घाट पे आया तो फोटो खींचा तो फीचर होंगे पर्टिकुलर आपको शॉट मिलेगा ही मिलेगा। यही मेरी सक्सेस का राज है। मैं क्रॉस बना रहा हूँ उन जगह पे। इधर आइए, इधर सक्सेस का राज। यहाँ पे अगर आपको अपनी वाइड आई शॉट तो चाहिए, आई शॉट तो ऐसे खड़ी हुई है कैसे? ओ वाओ, आई शॉट ये इनका घाट है। मैं गणेश घाट नंबर 24, मैं ऑनर हूँ घाट का। मेरे नाम से घाट है, गूगल इंस्टा हर जगह देख लो। कागज दिखा दो अपने साइन वाले बैठे। तो ये देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है घाट, ऐसे घाट दिखाओ पूरा। तो अभी इस तरीके से बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। ये देखो इसने बूट पहने हुए हैं। अरे बूट पहने हुए हैं। पता नहीं पूजा चल रही है, शायद हो सकता है प्रसाद भी मिल जाए हमें यहाँ पे, तो हमें ऑर्डर भी नहीं करना पड़ेगा, पैसे बचेंगे। अच्छा साधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सूट किया है जिसका सूट कर रहा था उसको। मैडम आई है, मैडम आई है, फिर मैडम इधर से उतरी है, इधर से ठीक। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और लाइट देखो देखो तो ऐसे आपको बहुत सारे देखिए कितने सारे एलिमेंट है। तो थोड़ा सा बैक होके हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ 2 स्टेप बैक होके चीजों को देखो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई धंधा बना रहे धंधा। हम यहाँ पर वो चलाएंगे, हेलीकॉप्टर चलाएंगे। एकदम नीचे जैसे वो चलाते हैं ना अक्षय कुमार, एकदम नीचे से आएंगे पानी में डुबा देंगे। तो ये हमारी आज का खाना। ये कैसे खाएंगे? पाव भाजी रतन लेके आया है भाई, मुझे दो। अभी ये स्प्रेड ज्यादा हो भाई, मैं स्प्रेड करूं भाई, मेरा वो ले लिया। अरे तो पाव भाजी तो पाव के अंदर दबाई जाती है। पाव एक हमें लग रहा है ऐसा
ये देखो कंटेंट क्रिएशन छोड़ के अब ये कुछ पैसा नहीं था कंटेंट क्रिएशन में। संडे में यहाँ पे आते काम करने पार्ट टाइम आराम फरमाया जा रहा है। देखिए डे टाइम है भाई तो लाइट इतनी अच्छी है नहीं कि हम जाएं हार्ड लाइट में, इसलिए बोला जाता है कि मॉर्निंग और इवनिंग बेस्ट रहता है शूट करने के लिए। जब आप दोपहर हो जाती है तो लाइट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उस टाइम एक्टिविटीज भी नहीं होती इतनी कुछ, क्योंकि सब मतलब थक के आराम कर रहे होते हैं। और हम लंच का भी वेट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप दोपहर में कुछ शूट ही नहीं कर सकते, आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स निकाल सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट और कॉन्ट्रास्ट आपको मिल जाता है। तो हमारा खाना आ चुका है, खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया। तो उधर करना पड़ेगा, कहाँ से रिहाई दे रहे हो बे? रिहाई वो गैस हो गई, तू ले ले, तू रिहाई ले ले। हम भी रतन, हम भी अपने घर पे बोलेंगे हम भी खाना खाने नदी पार जाते थे। ये हमने चटाई ले ली है, रतन ने खाना ले लिया है, पानी और मैं ओके सो हमने मैट ले लिया है, नहीं इंग्लिश में बोल, हमने चटाई ले ली है। हाँ राउंड टू इन बोर्ड्स 9:40 होने वाले हैं, आज हम खाने की तलाश में निकले हैं। यहाँ पे बड़े अजीब अजीब तरीके के वो हैं, क्या बोलते हैं, प्राणी हैं, देखते हैं कि क्या खाने को मिलता है। बहुत भूख लग रही है, ये लोग सिर्फ लड़कियों को हाथ देते हैं। ओ, 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 बच गया, विलेज का भी ना पैदा हूँ। ये क्या फेंका बे, बैठना कुछ नहीं है, पानी की बोतल चली गई। क्या बात कर रहा है जी, और रखी ऐसी जगह पानी, अरे इसमें तो तूने बोला था इसमें रख। अरे यार शेठ, हमारी पानी की बोतल गिर गई भाई, इसमें है कहाँ, ऊपर है तो लेंगे ना, वो बैग भरा होगा उसमें, ये उठा उठा। अरे वेलकम जी, वेलकम वेलकम जी, क्या दिन चल रहा है? अच्छा चल, शूट पे आया था, और क्या हाल है, कैसे हो? यहीं बैठे रहते हैं क्या और क्या? हिमांशु भैया आप हम लोग के ना नए सीरीज में आ रहे हैं, इधर आइए, इधर देखिए तो बोली बोली शूट से डायरेक्ट इधर, जल्दी बोली जल्दी बोली जल्दी बोली, मिलियन व्यूज आ जाएंगे भैया, दिख जाएंगे, मिलियन व्यू नहीं चाहिए, सपोर्ट ले लाओ लाओ बोतल लाओ, जिसने गिराई है वो उठाएगा, लाओ ये दिवेश जा रहा है चटाई लेके। डालो डालो बिछाओ बिछाओ, तो ये हमारी तैयारी खाने की। महीने में एक वीडियो, तो अभी खाना डन हो गया है और बज रहे हैं, एक बज रहे हैं, खाना डन हो गया है और आप ये देखो हमने कहाँ पे खाना खाया है। काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है गाइस, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, इस तरीके के अलग अलग एक्सपीरियंस करना। मतलब सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है फोटोग्राफी में, स्पेशली स्ट्रीट में, आप ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करते हो जो हमने कभी देखी नहीं। देखिए हम कोई भी मतलब जो भी खाना खाना खाया हमने सब पैक कर लिया है और वहाँ जाके डस्टबिन में डालते हैं। गंदगी ना करें और बोतल लाए इसको ऐसे दबाएं। क्या करें? आपको आता नहीं है। तुमसे तो हो ही नहीं पा रहा। ये देखो। इसको पहले ऐसे दबाते हैं। कैसे? ठीक है। वो नहीं चल रहा है। दबाओ दबाओ दबाओ। ऐसे दबाएंगे। हाँ। ठीक है। दबाओ। इसको तुम क्या कर रहे हो? रहा है। सही से दबाओ ना। नहीं हो पा रहा। अपना ईयरफोन में डाल देना उसमें। देखिए। ये कुछ आवाज आएगी उसके बाद इसको ऐसे मैं ढक्कन निकाल के दिखाता हूँ। ढक्कन निकाल के दिखाया जाएगा। अगर तू ढक्कन निकाल लिया तो 500 रुपए इनाम। निकाल और नहीं निकाल पाया तो बता पहले, निकाल अच्छा निकाल नहीं निकाल पाया तो बता पहले। अरे ट्राई तो करने दो, मैं पैसों के लिए भूखा नहीं हूँ, मुझे निकाल नहीं दिया। देखो ये देखो ये देखो ये क्या हो रहा है, के सामने है। आपने देखा था कि नहीं देखा था? आपने देखा? नहीं, गाइस हमें साफ सफाई करनी चाहिए, क्रश करना चाहिए। और ये जो देख रही हूँ इधर क्या बने बोतल हमेशा इसमें लगती है। एक एक शॉट निकालनी है सबको अपनी अपने अकॉर्डिंग। तो अभी बज रहे हैं 1:05 और हम सब ने अपना ये ब्लैक एंड व्हाइट मोड जो है ऑन कर लिया सबने अपने अपने फोन में, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा हार्ड है तो इस टाइम पे अच्छे शेडोज बनेंगे, ऐसे में आप ब्लैक एंड व्हाइट करके फोटोग्राफ खींच सकते हैं। हम ब्लैक एंड व्हाइट मोड यूज़ करेंगे, हम चारों खींचते हैं, तो देखते हैं क्या क्या शॉट निकाल पाते हैं हम।
शॉट मेरा आया है, ठीक है आप अपना दिखाओ भाई तुम्हारे को क्या मिला है। ये मैंने बनाया ये तो सब ने अपने अपना एक शॉट ले लिया ब्लैक एंड व्हाइट में। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट था, और दूसरा ये जो ईगल्स उड़ रहे थे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे थे फ्रेम के अंदर, तो वो भी मैंने यूज़ किया। देखिए मस्त मछली लेके आ रहा है, खींचो पे खींचो फोटो खींचो पे, शॉट है भाग रहा वो चील भी थी मैंने ले ली। तो 2:15 हो गए हैं और हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं अब, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट वो सब फोटोग्राफी भी कर ली हैं, बाकी चीज़ें भी कर ली हैं। घाट का देखो नज़ारा इस तरीके से दिखता है 2:15 पे, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन अब नींद आ रही, चाय चाहिए। ओके आप? मैं तो हर टाइम इंजॉय करता हूँ बस। आप इंजॉय कर रहे हो? आप बस के हंसते गाते रहो, जीवन में कभी सुस्त मत हो, अगर ज्यादा सुस्ती करोगे ना तो जीवन सुस्त हो जाएगा। सही बात है। अगर आपको परेशानी है ऐसे दोस्त को बताओ जो तीसरे को ना बताए, तो बहुत अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, गहरी बात। तो अभी बज गए हैं 3:30 और मैं शायद दिख ही रहूँगा। तो टफ़ है यार इतना टाइम स्पेंड करना, बट बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है मुझे फोटोग्राफी की, कि आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग चीज़ें सीखते हो, और काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है। अब कुछ घंटे और रहते हैं, शायद 5:30-6 करीब पूरा सनसेट हो जाए। 3:43 हो गए हैं टाइम और शाम हो गई है, और जस्ट बिकॉज ऑफ विंटर्स लाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है इतने बजे, क्योंकि 5:30 सनसेट हो जाएगा। तो मैं एक POV शूट करता हूँ छोटा सा, वहाँ पे देखो कुछ बच्चे आ गए। अब हो रहा है काफी ज्यादा डाउन हो रहा है और सनसेट होने वाला है। वाओ भाई बहुत आवाज गई है। अब सनसेट होने वाला है, मैं करीब 5 से यमुना घाट आ रहा हूँ, ठीक है, बट मैं मॉर्निंग यहाँ पाता था और बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मैंने सनराइज से सनसेट यहाँ पे रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आया। तो यहाँ पे हमें खाने के लिए कुछ मिला है बेहतरीन, और बहुत भूख लग रही है। और आपके अंदर मलाई टिक्का चिकन मलाई जाली वाला तो बहुत भूख लग रही है, देखते हैं कुछ खाने के लिए यहाँ पे मिलेगा। उसमें भाग अपने घंटे यमुना घाट पर बिताने के बाद मुझे वहाँ के लोगों का रहन सहन समझ में आया, वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, जीते हैं। और मैंने अलग अलग लाइट कंडीशन में वहाँ पे फोटोग्राफ्स भी क्लिक करी। ये सब आसान नहीं था, ये सब पॉसिबल हो पाया आप सबकी वजह से और मेरे अच्छे दोस्तों की वजह से। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए।